तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ iOS Instagram का न्यू अपडेट। इसमें आपको फुल iOS Instagram मिल जाएगा, जैसे कि iOS इमोजी और iOS बोल्ड फॉन्ट, और चैट सेक्शन में भी आप इन इमोजी और फॉन्ट्स का यूज कर पाओगे। और राउंड स्टोरी के लिए आज दो न्यू ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप राउंड स्टोरी लगा पाओगे एकदम आईफोन की तरह, जिसमें टाइमर और यूजर नेम भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी सब वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यूज करना है आपको होनिस्ता का, और इसे डाउनलोड कैसे करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। होनिस्ता ओपन करने के बाद आपको सेटिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से थीम एंड यूआई पे क्लिक कर देना। इसके बाद कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आपको इमोजी टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फ्रॉम लोकल स्टोरेज पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपके सामने ऐसे ऐप्स आ जाएंगे, यहाँ से आपको सिंपली जेड आर्चीवर को सिलेक्ट करके ओके कर देना। तो यहाँ पे आपको एक फाइल ढूंढनी है जो कि iOS होनिस्ता 2024 के नाम से मिलेगी। इसमें मैंने आपको iOS इमोजी और फॉन्ट दिए हुए हैं, यहाँ से आप iOS इमोजी को सिलेक्ट करके ओके कर देना। अब आप देख सकते हो इमोजी टाइप के आगे iOS 16.4 इमोजी लिखा हुआ आ गया है, तो यहाँ पे इमोजी तो ऐड हो गए हैं। अब इसके बाद आईफोन फॉन्ट को भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे। इसके लिए ऐड स्टोरी फॉन्ट पे क्लिक कर लेना है, और इसे क्लिक करने के बाद फ्रॉम लोकल स्टोरेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम जाएंगे जेड आर्चीवर में, और यहाँ से iOS होनिस्ता वाली फाइल में जाना है। वहाँ पे आपको सभी iOS फॉन्ट जो है मिल जाएंगे। इसमें आपको मैंने 7 आईफोन फॉन्ट दिए हुए हैं, जिनको आप 1x1 ओके करके ऐड कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सभी आईफोन फॉन्ट्स जो है ऐड हो गए हैं। अब हम इन इमोजीज और फॉन्ट्स का यूज करके देखेंगे। उसके लिए यहाँ से सिंपली बैक आना है, और बैक आने के बाद ऐप को रिस्टार्ट कर देना। इसके बाद स्टोरी पे क्लिक करके हम यहाँ से फॉन्ट का यूज करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईफोन वाला फॉन्ट जो है आ गया है, और आप इनका यूज अपनी स्टोरी पे कर सकते हो। और इमोजीज को सिलेक्ट करने के बाद जैसे डन पे क्लिक करोगे तो ये आईफोन इमोजी में बदल जाएंगे। और अब बात करते हैं कि कैसे आप इन इमोजी और फॉन्ट का यूज चैट सेक्शन में कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ सिंपली बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद थीम एंड यूआई पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऐप फॉन्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ से फ्रॉम लोकल स्टोरेज में चले जाना, और इसके बाद फिर से जेड आर्चीवर में जाना है, और होनिस्ता की फाइल में जाके आपको ऐप फॉन्ट के नाम से एक फॉन्ट मिल जाएगा। इस बोल्ड फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना, और अब आप इसका यूज चैट सेक्शन में भी कर पाओगे। तो इसके लिए एक बार ऐप को रिस्टार्ट कर लेना, इसके बाद चैट सेक्शन में आना है, और यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट और इमोजीज का यूज करके देखना है। अब आप भी ऐसी इमोजी और फॉन्ट का यूज चैट सेक्शन में कर पाओगे। और अब हम बात कर लेते हैं राउंड स्टोरी के बारे में। तो राउंड स्टोरी की मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप आईफोन की तरह राउंड स्टोरी लगा पाओगे विद टाइमर एंड यूजर नेम। तो सबसे पहले ट्रिक को यूज करने के लिए आपको किसी रील को अपनी स्टोरी पे ऐड कर लेना है। इसके बाद स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपको गैलरी में जाना है, और जैसे आप गैलरी में जाओगे तो यहाँ से किसी भी PNGs को ऐड कर लेना। और PNGs का डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन PNGs वाली ट्रिक अब पुरानी हो चुकी है, इसीलिए सेकंड ट्रिक में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ iOS Instagram। इसमें आप कुछ सेटिंग्स को इनेबल करके आईफोन की तरह राउंड स्टोरी लगा सकते हो, और इसमें आपको टाइमर और यूजर नेम भी देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी देख सकते हो कि इसमें आपको कोई भी PNGs को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही राउंड स्टोरी लगा सकते हो जो कि देखने में एकदम आईफोन की तरह लगेगी। बट इसमें राउंड स्टोरी लगाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि किन ऑप्शंस को इनेबल करना है। इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसको देख लेना। इस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, और साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। और अब बता देता हूँ कि कैसे आप होनिस्ता और iOS इमोजी फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके सिंपली उनको ओपन कर लेना। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे iOS होनिस्ता करके फाइल मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप इसे जेड आर्चीवर में ओपन कर लेना, और यहाँ से सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब आप सिंपली इनका यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी iOS Instagram का यूज कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।